यूपी इधर देख यार क्या हुआ, कड़वी में जाड़ है। सो वेलकम बैक गाइस, सब कैसे हो गए, ठीक ठाक हुए? तो कल मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, सब फ्री फायर के कॉमेडी के यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से पार्टनर प्रोग्राम जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है और क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और तुम लोग भी अपने सजेशन कमेंट्स में लाजमी देना कि तुम लोगों को क्या लगता है क्यों ग्रीना ने ऐसा किया है। तो पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। कल सब यूट्यूबर्स की वीडियोज में आया, किसी ने जो इंस्टा पर स्टोरी लिखा, किसी ने पोस्ट की कि पार्टनर प्रोग्राम पाकिस्तान से जाने लगा है। और जो कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे जिनके जो इतने फॉलोअर्स इतने सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जिनके जो अचीवमेंट कंप्लीट होने वाली थी, वो बेचारे रो रहे थे कि यार पार्टनर प्रोग्राम जा रहा है तो अब क्या बनेगा, अब हमें कोई और गेम्स खेलनी पड़ेगी। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बेसिकली सीन ऐसा है, मुझे जहाँ तक मैं अपनी राय शेयर करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वी बैजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अच्छा, पहले बात इस बात पर नोट करो कि ग्रीना ने यह कहा कि पार्टनर प्रोग्राम जा रहा है और सब यूट्यूबर्स ने यह कहा कि पार्टनर प्रोग्राम जा रहा है, वी बैज का किसी ने नहीं कहा कि वी बैज जो है वो हट जाएगा या हट जाएगा, इसके बारे में उन्होंने बात की नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो वी बैज को हटाने वाले हैं। और सीन ऐसे कि एक जगह पे जब आपके एम्प्लॉयज़ हो ना और वहाँ पे मैनेजर एक होता है, ठीक है ना, आप हर ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे एक मैनेज करने वाले होते, बाकी सारे काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अगर सारे मतलब क्रिएटर्स बन जाएंगे तो फिर जो फैलने वाले हैं इस तरह, हर किसी को तो नहीं ना वो बना सकते। तो जहाँ तक मुझे अपनी राय में ये लगता है कि यार वो हर किसी को वी बैज तो नहीं दे सकते। तो काफ़ी टिकटॉकर्स वाले काफ़ी ज़्यादा हो गए थे वी बैजेस, हर किसी ने वी बैज आम होने लग गया था, शायद इस वजह से उन्होंने कहा कि बस यहाँ तक हमारा सफर था पार्टनर प्रोग्राम, अब हमने पार्टनर प्रोग्राम को बंद कर दिया, अब हम जो और वी बैज नहीं पकड़ेंगे। तो शायद जो जिनके पास वी बैज है उनके पास रहेगा, क्योंकि एकदम से तो रिमूव नहीं किया जा सकता, ग्रीना को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है इसे कि मतलब काफी क्रिएटर्स जो है वो गेम खेलना छोड़ देंगे, तो काफी जो उनके खेलने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं, वो भी खेलना छोड़ देंगे मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको रिमूव करने वाले हैं वी बैज, वी बैज नहीं जाएगा, सिर्फ पार्टनर प्रोग्राम जा रहा है और वो भी आगे जाके ओपन हो जाएगा। तुमने काफी देखा होगा इंडिया में ये वी बैज जो है अज्जू भाई ने वी बैज नहीं लिया हुआ, इसकी वजह यह है कि जब आप एक पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री देते हो तो उसके अंदर फॉर्म फिल करते हो, उसके अंदर लिखा होता है कि यार आप जब इस गेम के एंटर हो जाओगे, इस गेम को खेलोगे तो इसके अलावा आप कोई और गेम नहीं खेल सकते। मतलब कि अगर आप फ्री फायर खेलते तो इस तरह की कोई और गेम को आप प्रमोट नहीं कर सकते, उसको प्ले नहीं कर सकते, तो आप एक लिमिट तक रह जाते। तो उसमें ये होता है कि बदले में आपको जो फ्री फायर वाले जो डायमंड्स या पैसे जो भी है, वो इस बार मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मेरे पास नहीं है, बट इतना पता है कि कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, पैसे देते हैं या डायमंड्स देते हैं। तो अब वो हर किसी को ये चीज़ दे नहीं सकते, शायद इस वजह से जो पाकिस्तान में उन्होंने इस चीज़ को जो कम कर दिया, बंद कर दिया है। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों की राय में क्या, आप कमेंट्स में बताओ, तुम्हें कोई बात पता है इसके बारे में तो कमेंट्स में बताना, अगर कोई ऐसी बात पता है जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी आकर बता सकते हो, हम इस बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये वीडियो सबसे वीडियो को लाइक करना और आगे जो भी होगा मैं तुम लोगों के साथ डिटेल पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगा। और रात को जो है एक वी बैच प्लेयर से भी बात करने का रहता है, देखो अगर वो आता है बात करता है तो मैं तुम लोगों को उसके बारे में भी डिटेल शेयर करूँगा कि वो क्या कहता है इस बारे में।